फिर मैंने कहा कि भाई अपनी जो महबूबा है उसको बता दीजिएगा कि भाई ये अकाउंट दूसरे का है, आप इसको यूज ना करें। उसका नंबर कौन सा था मैं आपको बता देता हूँ, 8160-9580। नहीं, इस बार प्रकाश भाई की कोई गलती नहीं है, इस बार गूगल की गलती है असल में। लेकिन प्रकाश भाई के पता नहीं ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं कि सीट पे बैठते हैं इनके कुछ न कुछ कपले होते ही हैं। नाथद्वारा इधर था तो इधर कैसे चला गया? सामने वाले रोड से आए थे, वहां पे लिखा था सामने नाथद्वारा है, अब पता नहीं घूम फिर के जा रहा था, अब इधर नाथद्वारा है, ऐसा क्यों? इधर नीचे उतर भी है, उतर भी रह गई उतरे वधार पड़ती है। अब गलती हो गई तो हो गई, मान लो, बोलने बोलने में क्या ना, इधर भी बुकी जाता, इधर बुकी जाता थोड़ा किलोमीटर बदार जाता बराबर। चलो कोई बात नहीं, प्रकाश भाई ने थोड़ा बहुत घपला कर दिया था तो भाई एक्चुअल जो रोड है वो मिल गया हमको, बाकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था ऊपर नीचे कर करके। और ये सिद्धार्थ तो मतलब इतने ऊंचे डिवाइडर से कूदा रहा था, कूदा दो नहीं डिवाइडर है तो मो गांडो सा ताकर ते रिस्क टेकर मो वधा रहे हो। ऑल इंडिया रेडियो पे आपकी फरमाइश प्रोग्राम पे आपका स्वागत है। और एक था गुल, एक थी बुलबुल, इसकी फरमाइश की है सूरत से चिंटू मोनू पिंकू ने, नवसारी से गोलू बबलू और सोनू ने, मकरपुरा वडोदरा से प्रकाश अग्रवाल, उनकी बीवी रेखा अग्रवाल, उनका बेटा आरव अग्रवाल, उनकी बेटी त्रिशा अग्रवाल और उनकी रखेल। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहती थी। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। ये स्पीच जो पूरी ट्रिप है वो स्पॉन्सर की है श्री गजानन डाइनिंग हॉल ने, जहाँ पे 100 रुपए की थाली मिलती है और ये वर्सर ब्रिज के निकट है तो आप जाकर भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो पूरी ट्रिप की स्पॉन्सरशिप प्रकाश भाई ने दी है, गजानन वालों का नियम है स्पॉन्सरशिप देते हैं लेकिन साथ में आते हैं। A few hours later. Good morning guys, welcome back to the channel. कैसे आप सब लोग? और अभी पता नहीं कौन से रोड पे है एक्चुअल में, मैं तो अभी नींद से उठा हूँ और प्रकाश भाई गाड़ी चला रहे थे, इतनी रिस्की ड्राइव करते हैं कि पूछो ही मत। मतलब क्या है कि एक्चुअल में बराबर स्पीड ब्रेकर आएगा तब ब्रेक मारेंगे, फिर बराबर मतलब अभी तो एक गाय भी जा रही थी तो उसको बिल्कुल टच करने वाले थे, पता नहीं ये भाई कैसे करते हैं, मतलब डरा डरा के गाड़ी चलाते हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और एक्चुअल में क्या है कि इन सबको 2 नंबर लगी है तो ये पहले तो चाय पियेंगे, इसके बाद में इनका प्रेशर आने वाला है। प्रकाश भाई, चाय पीने के बाद में प्रेशर आता है आपका? ये खटिया से टायर की, टायर से बनी ये खटिया, टायर के रबर से बेस्ट है, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, नहीं वेस्ट में बेस्ट बना है ना, जंपर और बस जंपर और जो जंपर आ था जो 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 आते थे निशा स्वागत में बहुत असरदार है। कॉफी बनाना अंकल, नवी चट्टी लाई हूं प्रवास बल्ले। ये भाई भी बड़ौदा से आ रहे हैं, अभी इनसे पूछा
तो अभी ये जा रहे मथुरा और इनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो बोले भीलवाड़ा आया। मुझे तो क्या नींद में था इसलिए पता नहीं कौन सी जगह है, बाकी इन्होंने बताया ये भीलवाड़ा है। अभी ये मथुरा को जा रहे तो बोले कि कल पहुंचेंगे हम, तो यूँ 60-65 की स्पीड में चलते हैं। तो मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ और इन दोनों ने चाय पी है। ये तो हक के भी आ गया। हाँ, और वो हगने जा रहा है। चलो अब यहाँ पे एकदम रिफ्रेश हो चुके हैं, मतलब पेट भी खाली कर दिया है क्योंकि तो भरा भरा लेक खबर नहीं पड़ रही है। खाली लगी थी उतने साले जिन्हें खबर पड़ती है बड़े मस्त ये गोड़ो है, वो स्पीति हिमालय की अभीम के है। ये देखो यार, व्लॉगिंग नहीं करने देते दोनों। ये बोल रहा है कि बेटू स्पीति, स्पीति के अभी ठिकाने भी नहीं। अभी पहले शिमला लिखो, पहले शिमला नहीं पहले जयपुर लिखो। आगे अपने एस्प्रेसो जा रही है। अब ये क्या है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा, ना ये ब्रेजा है ना ये अल्टो है। आगे का विवरण देंगे हमारे विशेष संवाददाता कृणाल ओझा, क्योंकि ये मारुति के प्योर हेटर है। कैसी है मारुति गाड़ियां? नहीं ये क्या भले ये जानता है नहीं जानता ये बात पता नहीं, लेकिन ये शुरू से जब हम भी मारुति की गाड़ी पसंद करते थे तब से ये बता रहा है मारुति की गाड़ियां फालतू होती है। और उसमें ट्विस्ट की बात ये है कि तब ये मारुति में काम करते थे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया पाउचा से, ये सब तो लेके चले जाएंगे नहीं। हाँ। जेसीबी तो टूटेगी इनका। जेसीबी ना टूट गए મારો અનુભવ જો છે બંટી તમે पेट्रोल प्लस डीजल मिक्स, पेट्रोल तो इतना सा डालना एक बाल्टी भर के, डीजल तो फुल डाल दो, डीजल ही डालना। हाँ आनंद क्या मात्र थे बम्बा उठा भी ले पुंगली खूब करती दिया ले भरियाली लातवाइन खाली करा बाहर वहां अगर आप मेरे को कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो अंदर कुछ मेंबरशिप ले लीजिए 60-65 रुपए की है वो ले लीजिए, और दान दक्षिणा में ध्यान दीजिए, दान देते रहिए और पुण्य कमाते रहिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, देना हो देना, नहीं देना आपकी मर्जी है, लेने के लिए तो हम राजी है, लेना है तो ही तो रखा है मेंबरशिप, नहीं लेना हो तो हम क्यों रखते। सुपर जेट कब दोगे, लाइव करोगे तो ही देंगे सुपर जेट। चलो भाई मैं अपना थोड़ा काम कर लूं बिजनेस से रिलेटेड। नए ड्राइवर आ चुके हैं, अब सिद्धार्थ संभालेंगे कमांड ड्राइविंग की। धीरे धीरे जाने देना, अभी तो क्या जयपुर लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं, और यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर के आसपास में, दिल्ली तो जाना नहीं है। गूगल देवता जहाँ ले जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, बाबा देवता बाबा स्वामी महामहिम तमराज किलवेश, रात को तो अंधेरे में ले जाते हैं तमराज। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो मेरा एक फेसबुक अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट है, और वो मेरे जो जीजा जी उनके नाम से है। तो क्या हुआ कि उसमें एक जो नंबर, दो नंबर डाले हुए, एक जो नंबर है वो तो मेरे पास है और एक नंबर है वो मैंने छोड़ दिया, मतलब उसका रिचार्ज वगैरह कुछ नहीं करवाता था, कोई मेरे लिए उपयोगी नहीं था। मैंने सोचा कि होना होगा तब बंद हो जाएगा, तो क्या हुआ वो नंबर बंद हो गया। बंद होने के बाद में वो नंबर किसी और को मिल गया, मिलने के बाद में क्या हुआ कि उस नंबर से किसी ने वो फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने वाला
कौन था वो मुझे पता चला नहीं। फिर मैंने स्टोरी देखी, मतलब जैसे वो अकाउंट लॉगिन किया तो मैंने स्टोरी देखी, स्टोरी देखने से पता चला कि वो किसी लड़की ने लॉगिन किया था, और वो क्या अकाउंट वेरीफाइड था, इसलिए उसमें आप नाम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ कि मैंने वो स्टोरीज वगैरह हटा दी, फिर मैंने वो क्या किया, वो नंबर डिलीट भी कर दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वहां से लॉगिन होता है तो वो वापस लॉगिन कर सकती है, मतलब वो लॉग आउट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अकाउंट वर्क करेगा ही करेगा। तो अब क्या हुआ, अब सीन ये होता है कि अगले दिन मैंने वापस देखा तो वापस उसने स्टोरी डाली हुई थी। फिर क्या हुआ कि मैंने वापस सब डिलीट किया, फिर जो भी मतलब फिर देखा किस किस लोकेशन पे वो फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, तो उस हिसाब से मैंने उसको हटाया। इसके बाद में मुझे उस पे फोन आने लगे, फेसबुक अकाउंट पे फोन आने लगे, तो मैंने सोचा कि अब किसका नंबर होगा। अब मैंने उठाया तो मैं मतलब मर्द की आवाज है तो उसने सुनी, तो सामने वाला शायद आदमी था तो मैंने बोला, तो वो बात करने के लिए राजी नहीं, फोन काट रहा है, मतलब फेसबुक कॉलिंग कर रहा था। इसके बाद मैंने 2-3 बार उसको कॉल किया, फिर मैसेज करके बोला कि तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। फिर मैंने उसके मतलब मेरे पास में चैट थी तो उसमें मैसेजेस पड़े, तो मेरे मतलब मेरा जो अकाउंट था वो किसी लड़की ने कैप्चर किया हुआ था, वो लड़की मतलब लॉगिन कर रही थी और सामने वाला लड़का था, तो दोनों इलू इलू कर रहे थे, बराबर घर वालों से छुप छुप के इलू इलू कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि भाई अपनी जो महबूबा उसको बता दीजिएगा कि भाई ये अकाउंट दूसरे का है, आप इसको यूज ना करें। अब मेरा नंबर कौन सा था मैं आपको बता देता हूँ, 8160-9580 के आगे नहीं बताऊंगा, आप कमीने हो आप उसको कॉल भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे नाश्ता पानी कर लिया जाए, ये प्रकाश भाई कब से बिल बिला रहे हैं अंदर से, जो करना है वो, सस्ता होगा तो हम खाना खा लेंगे, महंगा होगा तो नाश्ता करेंगे। ये क्या पैकेज में आए, मैंने इनको बोला भाई थोड़े पैसे बढ़ा दो तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। 27,000 से कम है पैकेज क्या? 27,000 साले 10,000 देते हो और 27,000 बोल रहे हो, और उसमें तुम्हारे गजानन की एडवर्टाइज करवाई है। चलो अब खा लेते हैं भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे, बस ब्रश तो करेंगे खाने के बाद में। ब्रेकफास्ट कैंसल, अब सीधा लंच ही करेंगे। चलिए अब खा लेते फटाफट, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये पुलिस वाले रोक रहे हैं ट्रक वाले को, जाने थोड़ी पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, क्या करते हैं ये, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख। कंटेंट आया, कंटेंट आया, कंटेंट आया, कंटेंट। ओ बेटा तेरी पड़दास्ती जो दे आप साले, मतलब पीछे की फोटो पाड़ ली थी नंबर प्लेट नो, अभी हूं तो पाड़े ही नहीं, नहीं ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, मतलब अभी देखो एक्चुअल में क्या है, देखो ये पीछे चल रहा था वो आगे चल रहा था, अगर ये धक्का मार देता क्या होता, जान का जोखिम ही है। चलो अभी थोड़ी नींद आ रही है और आधा एक घंटा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे कुछ होता है दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी लगभग ऐसे लग रहा है कि मुझे हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं, तो अभी भी अपना डेस्टिनेशन शिमला तक जाना है हमको, 465 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी 12 बजे हैं, तो एक आध घंटा नींद मार लेता हूँ, इसके बाद में ये देखो ये पैर फैला के सोया है, इसको तमीज भी नहीं है, तो कितने पहले पैर है, ऐसे दोस्त रखना ही नहीं चाहिए। तो क्या है वो गाड़ी 10,000 दे के गाड़ी खरीद लो, इस तरह से हरकत कर रहे हैं। अभी भी जो अपनी मंजिल है वो 201 किलोमीटर बाकी है। मैं तो थोड़ा सो गया था लेकिन इतने मतलब स्पैम कॉल्स आ रहे थे, इतने स्पैम कॉल, मतलब आंख लगी नहीं कि स्पैम कॉल, मतलब एक बंदा बार बार कॉल कर रहा है, कॉल उठा रहा हूँ इसके बाद में रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो कब से गाड़ी तो सिद्धार्थ ही चला रहा है, नाम मात्र की एडास पे चला रहा है, हम जैसे बिना स्टेयरिंग के बैठे और ये स्टेयरिंग पे बैठा है, उतना ही फर्क है, बाकी उसको भी कुछ करना नहीं है एडास पे। मतलब यहाँ पे क्या है कि 100 की स्पीड है तो 96-97 पे लगा के रखी है, और कब से ऐसे ही चला रहा है, तो वो बोल रहा है कि बोरियत से फील हो रही है। तो अभी भी लगभग 200 किलोमीटर बाकी है, लगभग 7:30 के आसपास में हम शिमला पहुंचेंगे, और बाकी तो रोड तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम NH-152D पर हैं, ठीक है। NH-48 तो कब का छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया, उस टाइम मैं सो भी गया था तो तब का छोड़ दिया। बाकी प्रकाश भाई तो छोटे बच्चे की तरह सो रहे हैं, ये दोनों लुढ़क चुके, ऐसा काका ऐसा भतीजा कपलेबाज, ऊपर नीचे उतरने में कभी आगे पीछे हो जाता है,
तो उस समय पूरा कपला मार के बोल दिया था कि जगह ही चेंज हो गई, नाथ द्वारा उधर था उधर से पीछे आ गया। ऐसा कोई नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं है। तू तेरे काका की तरह है, काका भी कपलेबाज है, तू भी कपलेबाज है। पानी नहीं, पानी पीना, पानी पीना? पानी देन भाई, दे दे पानी, दे दे पानी पिलो बॉटल, बॉटल है ना खाली वाली, दे दो उसमें भी ले। खाली वाली दवा मम्मी मारेगी हमको। पानी पीना है, क्या कर रहा है? पानी पीना है।